भारत और इंग्लैंड की टीम जब आमने सामने होती है तो मैच में रोमांच बनता है, और जब स्टुअर्ट ब्रॉड भारतीय गेंदबाजों के सामने होते हैं तो मैदान पर रिकॉर्ड बनता है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह जब स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक ओवर में 35 रन बन जाएंगे। अब हुआ दरअसल ये कि जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने मैच के दूसरे दिन अपने 550 विकेट पूरे कर लिए तो उसके बाद उनके जश्न में थोड़ी सी खटास आ गई, क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए ब्रॉड को तो उस ओवर में यहां पर कुल 35 रन बन गए। अब ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इतने ज्यादा रन टेस्ट ओवर में एक ओवर के दौरान अब तक कभी नहीं बने थे, और इन 35 रनों में बुमराह के बल्ले से अकेले 29 रन निकल कर आए हैं। दरअसल उस ओवर में ब्रॉड ने एक वाइड बॉल भी फेंकी थी और साथ ही साथ एक नो बॉल भी फेंकी थी, इसीलिए यहां पर 35 के बजाय बुमराह के खाते में जो रन आए वो महज 29 रन थे। लेकिन बुमराह के बल्ले से निकले 29 रनों ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं टेस्ट क्रिकेट के, क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह यहां पर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है, और इस लिस्ट में उन्होंने ब्रायन लारा, जॉर्ज बेली और केशव महाराज को पीछे छोड़ा है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि बल्लेबाजी के मामले में जसप्रीत बुमराह किसी दिन ब्रायन लारा, जॉर्ज बेली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि ये दो वो नाम हैं जो अपने आप में बहुत बड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में अगर बात करें, या फिर पूरे क्रिकेट में बल्लेबाजी की बात करें तो इन्हें पीछे छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और जसप्रीत बुमराह ने ये करके दिखाया है। भारतीय टीम जब से यहां पर उतरी है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किए जा रही है, और इंग्लैंड में एक और रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने भी अपने नाम किया, और वो रिकॉर्ड है टेस्ट की एक ओवर के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने का। अब आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा 29 रनों के साथ एक ओवर में टॉप पर हैं, और उनके बाद आते हैं अब ब्रायन लारा, क्योंकि ब्रायन लारा के 28 रनों का ही रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा था। आपको बता दें कि यहां पर ब्रायन लारा ने बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां पर बनाया था, और जोहानिसबर्ग में 2003 और 2004 की वो सीरीज थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज की, जहां पर ब्रायन लारा ने एक ही ओवर में टेस्ट मैच के वहां पर एक 28 रन ठोक डाले थे। और साथ ही साथ अगर आगे बढ़े आपको इस लिस्ट में तो अगला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन कप्तान, ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने वाले कप्तान जॉर्ज बेली का, और जॉर्ज बेली ने भी एक ओवर में 28 रन मारे थे, वो भी आपको बता दें। तो यहां जेम्स एंडरसन के सामने जॉर्ज बेली ने यह करके दिखाया था 2013 और 14 की वो टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला नाम आता है इस लिस्ट में, चौथा नाम 28 रन उन्होंने भी बनाए हैं, केशव महाराज का यहां पर नाम आता है, और उन्होंने यहां पर पोर्ट एलिजाबेथ के मैदान पर बनाए थे 28 रन, और इस मैच में साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड का मैच था, और इस मैच में जो रूट गेंदबाजी कर रहे थे जिनके खिलाफ यहां पर केशव महाराज ने एक ही ओवर में 28 रन बनाए हैं। लेकिन जब स्टुअर्ट ब्रॉड यहां पर सामने आए जसप्रीत बुमराह के तो जसप्रीत बुमराह ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया और यहां पर 29 रन बना डाले एक ही ओवर में, और कुल रन जो ओवर में उस बने थे वो थे 35। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी कर रहे थे उसको देखकर तो यही लग रहा था कि युवराज सिंह एक बार फिर से कहीं वापस तो नहीं आ गए स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने, क्योंकि जिस तरह से युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड कप में ब्रॉड को पीटा था उसी तरह से कुछ जसप्रीत बुमराह भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब देखना यही है कि जब मैदान पर तीसरे दिन का खेल शुरू होता है तो खेल के खत्म होने तक भारत कौन सी स्थिति में पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां पर बता दें तो जो इंग्लैंड की टीम है उसके 5 विकेट बहुत जल्दी खो गए हैं, और देखना यही होगा कि जो भारतीय गेंदबाज हैं कप्तान बुमराह के नेतृत्व में कितनी जल्दी इंग्लैंड की पारी को यहां पर समेट पाते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी भारतीय पारी यहां पर शुरुआत हो जाएगी उसकी जितनी अच्छी लीड मिल पाएगी उतना ही बेहतर होगा इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत के लिहाज से, क्योंकि अगर भारतीय टीम ये टेस्ट मैच भी जीत जाती है तो इस पूरी पटौदी सीरीज को 3-1 से जीत जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भी भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, कि भारत अभी तीसरे नंबर पर है लेकिन यहां पर कप्तान बुमराह के हाथ में है कि किस तरह से अब आने वाले वक्त में गेंदबाजी कर रहे हैं, भारत को कितनी जल्दी और कितनी बड़ी जीत इस मैच में दिला पाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दें।